मेरी कितनी जी अप है भाई, एक की तो होती यार सबकी। भाई मेरी गर्लफ्रेंड है भी कि नहीं है, कितनी है, क्या नाम है, और मैं यूट्यूब से मंथली कितना कमाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे थे जिनका आंसर मैंने कर दिया था, और काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए थे जिनका आंसर करना बाकी था। उन क्वेश्चनों का आंसर मैं आज के इस ब्लॉग में करने वाला हूँ, ठीक है। यूट्यूब पेमेंट और जी अप वाला और बहुत सारे क्वेश्चन। चलो फिर आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड से। और क्या, चलो आपके क्वेश्चनों का आंसर करते हैं। इसके बाद आपसे पूछा है एक सवाल पहाड़ी बुआई ने कि अपने पापा को बल ब्लॉग में दिखाओ, बल किसान भी है तो क्या हुआ, हम भी तो किसान के बेटे हैं। अरे यार, मैं अपने पापा को दिखाने में शर्माता थोड़ी हूँ यार। मैं नहीं बोल रहा मेरे पापा घर में रहते ही नहीं है, दुकान है मेरे पापा की गांव में, वहाँ चले जाते हैं सुबह, फिर शाम को आते हैं, लेकिन किसी दिन बताएंगे, ठीक है, पक्का। इसके बाद आपसे एक सवाल पूछा है, टाइसन गेमिंग ने आपकी पहली पेमेंट यूट्यूब से कितनी आय कहेगी? पहली पेमेंट मेरी म्यूजिक चैनल से आई थी, जो चैनल अब डिलीट हो गया है उस चैनल की पेमेंट बताता हूँ मैं। पहली पेमेंट आई थी उससे 14,000 रुपये। इसके बाद आपसे एक सवाल पूछा है, यमन गेमिंग टू टू ने आप कौन सी गेम खेलते हो और आपकी एज क्या है? बस देखो, पहले खेलता था यार मैं फ्री फायर वगैरह आ गया, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया वो, क्योंकि टाइम काफ़ी वो होता था उसमें, तो फिर वीडियो नहीं बनती थी, फिर मैंने वो छोड़ ही दिया। अब कोई भी गेम नहीं खेलता हूँ मैं, और एज 18 से 20 के बीच में। और इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है आलोक UK09 ने कि सर यूट्यूब में ग्रो करने का तरीका सिखाओ। वही, बस अच्छी से अच्छी वीडियो बनाओ, लोगों का दिल जीतो, खुद ही ग्रो हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है हर्ष सोस्ती जी ने कि टाइगर वाली सीरीज कब खत्म होने वाली है? खत्म यार कौन सी, मैं यार कुछ सीरीज या फिल्म निकाल रहा हूँ कि कब खत्म होगी यार, टाइगर मिलता है तो बनाना तो पड़ता है यार भाई। एक सवाल आपसे पूछा है अभय शर्मा जी ने कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है, वैसे कागज पत्रा में देखा जाए तो विपिन सिंह है, और वैसे मैं कास्ट मेरी गुसाई है, मैं लगाता हूँ फिर विपिन गुसाई, सिंह नहीं लगाता मैं, फिर विपिन सिंह गुसाई, मैं सिर्फ यही लगाता हूँ विपिन गुसाई। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है विनोद नेगी जी ने कि आपकी मम्मी का क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती चुप्पी देवी। एक सवाल आपसे पूछा है हिंदी मूवी हाउस ने कि आप बताओ कि अर्चना कहाँ गई? अर्चना कहाँ गई यार, मैं बोल नहीं रहा, फिर मैंने ब्लॉग में बता दिया था दूसरे ब्लॉग में कि अर्चना के साथ क्या क्या हुआ, अर्चना कैसे कैसे वहाँ से घर भागी, अर्चना घर ही में है, सुरक्षित है और सही है। एक सवाल आपसे पूछा है हिमाचली लड़का, इन्होंने पूछा है भरमौर आए हो बल कभी घूमने? भाई आप अगर नहीं आए हो तो जरूर आओ, हम भी यहीं से शायद ही बोल। भरमौर घूमने तो नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे, जब भी आएंगे बता देंगे, क्योंकि इनके पास मेरा फोन नंबर भी है, ठीक है ब्रो। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है कबाड़ी आडा ब्लॉक्स ने कि भाई मेरे को भी बल यूट्यूबर बनना है और मेरी बल स्थिति खराब है, आप बल मदद कर दो मेरी प्लीज। इनका मतलब है कि भाई मुझे भी यूट्यूबर बनना है, मेरी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप मेरी मदद करो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना आप, ठीक है, देखता हूँ कि कैसी है आपकी स्थिति। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है सुनीता मैड जी ने, भाई कैसे हो, मैं टीवी गढ़वाल उत्तराखंड गोचर से हूँ, मेरे ससुराल चम्मा में है, पर मुझे अपनी भोली से ज्यादा आपकी भोली पसंद है, मम्मी जी नानी जी को। थैंक यू सो मच वेलकम, उनके लिए बोल, थैंक यू सो मच दीदी जी। इसके बाद आपसे एक सवाल पूछा है रवड़ी गेमिंग जी ने, उनका क्वेश्चन है
क्या बल आप अपने जीवन से खुश हो? और कोई तो यार खुशी रहता है अगर कोई मेरा। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है डीजे फायर ने कि भाई बल आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? फेवरेट यूट्यूबर सभी फेवरेट है यार, सबकी वीडियो देखता हूँ मैं, सभी फेवरेट है। एक सवाल आपसे इसके बाद पूछा है, पहाड़ का पंछी नाम से है कोई, इन्होंने पूछा है कि आप जब शेर के सामने जाते हो आपको बल डर नहीं लगता? क्यों लगेगा यार डर, वही तो हमारे पास एक मौका रहता है वीडियो वायरल करवाने का, कुछ उसकी वजह से भी नहीं लगता डर बस। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है राजा खान जी ने कि भाई आप कितने कितने क्या लिख रहे हैं? राजा खान भाई क्या पूछ रहे हो यार, नहीं दे सकता उसका रिप्लाई यहाँ, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना वहाँ बताऊंगा पर्सनल। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है रोहित पोखरियाल जी ने कि भाई आपकी एज क्या लिख रहे हैं? आपकी एज और हॉबी प्लीज मेरा नाम बल ब्लॉग में लेना, रोहित पोखरियाल ब्लेज इज गले खेत प्लीज भाई। रोहित पोखरियाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी क्वेश्चन किया है लास्ट में उसका आंसर मिलेगा ठीक है। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है अंकुश भाई ने, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन से गांव से हो बहजीवल? बहजी मैं मंदार से हूँ, टेरी गढ़वाल मंदार मेरा गांव है। इसके बाद एक पूछ रहे हैं आपसे कि क्या वल क्या है इनका नाम गेम पी ऐसे कुछ है, ये पूछ रहे हैं तुम बस सोनू जी सी ब्लॉक को जानते हो? नहीं यार पता नहीं कौन है, कौन सोनू कुमार। इसके बाद आपसे टाइसन गेमिंग पूछ रहे हैं भाई बहन फ्री फायर खेलते हो या नहीं? नहीं यार फ्री फायर नहीं खेलता हूँ, पहले खेलता था अब नहीं खेलता हूँ। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं इट्स मी सुनील, क्या बोल आपको नेपाली बोलनी आती है बोल तो कुछ बोल ये दिखाओ नेपाली भाषा में। भाई हम इंडिया से है यार, इंडिया उत्तराखंड पहाड़ों से, हमें नेपाली कैसे आएगी यार, आप सिखा लो फिर बोल देंगे हम ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करना विपिन गुसाइन 09 यूजर नेम है मेरा इंस्टाग्राम पे। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है दीक्षा मेहता जी ने कि अरे भाई आप झूठी वीडियो बनाते हो बल, सब लोग बोल रहे हैं। जब करेगा तरक्की लाडले बल तभी हेट मिलेगा यार, जब बंदे का नाम होता ना उसको बदनाम करने वाले भी बहुत सारे होते यार, बस यही है। इसके बाद आपसे पूछा है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सोनीपत जी ने, भाई तुम्हारे वहाँ पर शेर ने कितनों को मार डाला बल, कुत्ते और भैंसों को बल? देखो कुत्ते तो मारता ही है शेर, बट एक दो साल पहले की बात है ना, हमारे नीचे वाले गांव कस्तल में वहां पर एक लड़की और एक बूढ़ी मारी थी बाघ ने, खत्म। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है आदित्य सोड ने कि आपकी एजुकेशन क्या है? 12वीं तक पढ़ा की यार मैंने बस, क्या बोल कंप्लीट कर ली? ये कुछ पूछ रहे हैं। एक किस्म से कंप्लीट भी नहीं की, एक किस्म से 12वीं तक वाली पढ़ाई कंप्लीट कर ली। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है मनराज दीवाना किंग ने कि भाई बल आपके आप बल अपना नंबर दो। भाई नंबर क्या करोगे यार मेरा नंबर का ईमेल दे रखा मेरा डिस्क्रिप्शन में, अगर कुछ पूछना तो उस पर मैसेज करना, उस पर ईमेल करना या इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करना ठीक है, मेरी वहां पर दे देंगे। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा है ए आर कुमियाल ब्लॉग ने कि भाई जी मैं कैसे बल अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊं प्लीज जरूर बताना मत। रेगुलर वीडियो डालो और अच्छी अच्छी वीडियो डालो, अपने आप बढ़ जाएंगे यार, सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोई ट्रिक नहीं होती, अच्छी वीडियो डालो खुद ही बढ़ जाते सब्सक्राइबर। एक भाई है यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, इसके बाद ब्लॉग भाई क्रिस पूछ रहे हैं मेरा चैनल बल क्या आपने सब्सक्राइब किया? किया था यार आपका चैनल, गया था मैं आपके चैनल पर, वीडियो भी देखता हूँ। इसके बाद आपसे पूछा है अजू भाई ऐसे खतरे क्यों उठाते हो? अरे खतरे मैं नहीं बोल रहा, उठाना पड़ता यार मजबूरी,
गाइस सभी क्वेश्चनों का आंसर आपने कर लिया है। अब लास्ट में जो दो सवाल थे आपके, एक जीएफ वाला एक यूट्यूब पेमेंट वाला, अब इनका रिप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं पेमेंट का रिप्लाई, ठीक है, कि अपनी कि आपकी मंथली पेमेंट कितनी है। तो भाई मैं कन्फर्म तो नहीं बता सकता हूँ, तो गाइस इतना कमा लेता हूँ यार कि अपने शौक पूरे कर सकता हूँ जो भी खरीदने का मन करे, ठीक है, इतना कमा लेता हूँ और क्या बता सकता हूँ। बट अपने लिए एडिट करने के लिए अच्छे से फ़ोन अच्छे से कैमरा खरीद सकता हूँ कन्फर्म। लेकिन यूट्यूब की बट गाइज यूट्यूब की भी एक पॉलिसी है कि हम यूट्यूब पर अपनी इनकम नहीं बता सकते हैं। बट इतना तो मैंने आपको बता ली कि अपनी हर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। और आपको बाकी जानना है, कन्फर्म जानना है मेरी यूट्यूब पेमेंट कितनी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है bipingusain09, वहां पर मैं आपको कन्फर्म बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आपकी कितनी जीएफ है, आपकी जीएफ है कि नहीं, आपकी जीएफ का नाम क्या है, क्या अभी इसका क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगी इसकी जीएफ कौन है, नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि वो भी एक लड़की है, मुझे पता है वो बहुत नाराज हुई है, इसकी गर्लफ्रेंड है। देखो गाइस अगर इंस्टाग्राम पे किसी लड़की का मैसेज आता है ना तो कोई खास नहीं, आज बोल लड़ाई हो रही है। अरे देखो उस अगर मैं उनका आंसर करता हूँ ना, उनका रिप्लाई करता हूँ ना, ये क्या समझते है कि जीएफ है बोलते यार। अब किसी लड़की का ओ क्या बोलते रिप्लाई भी नहीं करूँ क्या, तो व्हाट्सएप क्यों जोड़ते हैं। अरे देखो कोई कोई ऐसा होता है ना, जो कोई कोई ऐसा है कि जो नंबर मांगते हैं, जो यूट्यूबर रहती है तो उनके साथ व्हाट्सएप पे भी चैटिंग होती है, फिर ये अलग से सवाल उठाने लगती है कि ये है सो है भाई कुछ भी। तो सच कहूँ तो जोड़ना चाहिए ना, देखो मैं अपने मन से मेरे साथी तो यहाँ मैसेज थे वो यूट्यूब का, हाँ तू कौन सा देखो। देखो गाइस सच कहूँ तो मेरी अभी तक कोई भी जीएफ नहीं है, अगर जीएफ होती तो यार आज मैंने 33-34 हजार सब्सक्राइबर करने थे क्या। देखो अगर आप जीएफ की चक्कर में पड़ोगे तो फिर भाई कुछ नहीं होने वाला, अगर आपको कुछ करना है तो बस अपने करियर पर फोकस करो, जीएफ जीएफ कुछ नहीं होता, ये बस दो दिन का खेल होता है। यही है कि कोई जीएफ जूएफ नहीं है, मैंने ना ही कभी बनाने की सोची यार, क्या आप सवाल ही कैसे पूछते हो यार, होगी ना कभी तो आपको बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा जिसमें हमारा साथ दिया है सौरभ ने और काजल ने। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्द ही दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय देवभूमि उत्तराखंड, टेक केयर।